हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई रैप। इसको मैंने टॉर्टिला के साथ बनाया है, टॉर्टिला भी घर पर बनाया है और बहुत ही टेस्टी यमी बनकर तैयार हुए चिकन मलाई टॉर्टिला रैप। इसके लिए लिया है मैंने 700 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको बिल्कुल छोटे क्यूब्स में कट किया है, इतने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है और बहुत अच्छी तरह से चिकन को धोकर साफ करके रखा हुआ है। तो इसको हम मैरिनेशन कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें जीरा, जीरे का पाउडर है, 1 टेबल स्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर। दोनों चीज़ें हल्की कुटी कुटी सी हैं और 1 टेबल स्पून भर कर लिया है मैंने हरी मिर्च का पेस्ट। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। ये लिया है दही, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दही लिया है। बहुत ही कम मसालों से अब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा ये मलाई टिक्का। तो ये लिया है मैंने मलाई, घर के दूध की मलाई है, 1 कप ले ली है। इसको हल्का सा फेट कर लिया है। इसमें ना तो मैं कोई ऑयल, घी, कुछ बटर, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ इसी के साथ इसको पकाऊँगी। अब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इसको रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए, हम रेस्ट के लिए। इसका बनाएंगे हम टॉर्टिला रैप। तो इसके लिए लिया है मैंने 3 कप फुल भरकर मैदा। वेट में करेंगे तो ये 400 ग्राम से ऊपर होगा। 4 टेबल स्पून लिया है मैंने मिल्क पाउडर, मैदा के अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने पाउडर शुगर, नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। नमक लेंगे। ये लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर से इसको बड़े ही अच्छा फूलने में मदद करेगा ये। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, डालकर इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाया हमने इसका। इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा ऑयल का हाथ और इसको रेस्ट के लिए रखेंगे आधा घंटे के लिए। चिकन मैरिनेशन हुए हुए आधा घंटा हो चुका है तो हम इसको पका लेते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालूँगी, सीधा कढ़ाई के अंदर इसी तरह से मैरिनेशन किया हुआ चिकन डाल देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मलाई डाली है उसी के साथ ये पकेगा। तो जैसे जैसे चिकन गर्म होगा ये पानी छोड़ेगा अपना, देखें इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब बस हमने इसके अंदर कोई मसाला कुछ भी नहीं डालना है, इसको इसी के अंदर पकाएंगे हम। तो यहाँ मैं इसको ढककर पकाऊंगी। ये देखें काफ़ी अच्छा पानी छोड़ा है चिकन ने और दही ने, बस इसी के साथ इसको पका लेंगे हम। ये देखिए इतना सारा इसके अंदर घी अच्छी तरह से निकल कर आया मलाई से। अब बस हम इसको ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से और चिकन यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए अच्छी तरह हमने इसको ड्राई भी कर लिया है। इसको हम लगाएंगे स्मोक, बीच में रखेंगे एक कटोरी, उसके ऊपर रखेंगे जलता हुआ कोयला, उसके ऊपर डाल देंगे 2-3 ड्रॉप ऑयल और इसको ढक देंगे। इसमें आएगा एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर। ये देखें इसको रख देंगे एक साइड। अब अपना डो देख लेते हैं। तो डो ने अच्छी तरह रेस्ट किया है, इसको 1 से 2 बार इस तरह और मल लेंगे। बहुत ही अच्छा फूल कर डो तैयार हुआ है। तो बोर्ड पे डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा और इसके अंदर से हम पीसेस निकालेंगे, पीसेस एक बराबर के निकालेंगे, कम से कम 10 पीस निकालूंगी मैं इसके अंदर से। इस तरह पीस निकालने से बिल्कुल एक बराबर के हमारे टोटीला बनकर तैयार होंगे। तो सभी के बॉल्स बनाकर रख लेंगे। तो सभी बॉल हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको एक बॉल उठाएंगे और सूखा मैदा में डस करेंगे और इसकी मीडियम साइज़ की एक पूड़ी के बराबर इसको बेल कर रखेंगे।
तो मैंने यहाँ 3 पूड़ी बेल कर रखी हुई है, इस पर लगाऊंगी मैं ऑयल। ब्रश की मदद से ऑयल लगा रहे हैं, अच्छी तरह से ऑयल लगाना है इसके ऊपर। उसके ऊपर से डालेंगे हम सूखा मैदा, से डस्ट करेंगे इसको फिर से, और दूसरी पूड़ी उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे। इसके ऊपर से भी ऑयल लगाएंगे। तो मैं यहाँ ये 3-3 करके बनाऊंगी, फिर से मैदा डस्ट करेंगे और जो तीसरी पूड़ी है वो भी उठाएंगे, इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाएंगे इसको और इसको बेल लेंगे, एक जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना बड़ी सी, इस तरह बेल लेंगे इसको। इसको हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, थोड़ा पतला बना सकते हैं या अपने तवे के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ रखा है मैंने गैस के ऊपर तवा, तवा हमारा गर्म हो चुका है और इसको एक दो बार इस तरह हाथ से उलट पलट करेंगे ताकि ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैदा लगी हुई है सूखा वो हट जाए। अब इसको डाल देंगे तवे के ऊपर। हमने 3 टॉर्टिला तवे के ऊपर डाली है, इसको इस तरह घुमाकर देखेंगे, ये घूम रही है अच्छी तरीके से, इसका मतलब नीचे वाली जो टॉर्टिला है वो बनकर तैयार हो गई है। इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरह से और ये देखें एक किनारे से इसको इस तरह निकाल लेंगे। ये देखें ये एक टॉर्टिला बनकर तैयार हो गई है, सभी को हम इसी तरह बनाएंगे। इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे और इधर से ये दूसरी वाली निकाल लेंगे। तो ये देखें एक साथ 3 टॉर्टिला बनकर तैयार हो गई। ये देखिए ये भी तैयार हो गई, सभी को हम इसी तरह बना लेंगे। ये हमने बनाकर रख ली है सभी टॉर्टिला और इनको ढककर रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट रहें और गर्म भी रहें। ये बनाएंगे हम सॉस, सॉस के लिए लिए है मैंने मेयोनीज, टमाटो सॉस, चिली सॉस, तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी सी सॉस बनकर तैयार होगी, पिंक सॉस। इसको मैं सॉस को डाल लूँगी कोन के अंदर ताकि लगाने में आसानी हो। और जो मेरा मलाई चिकन टिक्का बनकर तैयार रखा है उसके अंदर ऊपर से डालूँगी मैं नींबू। नींबू हम मैरिनेशन में भी डाल सकते थे लेकिन मैंने यहाँ ऊपर से डाला है ताकि और भी अच्छा टेस्ट और इसका फ्लेवर निकल के आए। तो कुछ लिया मैंने सलाद, खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज। तो जो सॉस बना कर रखी थी ना वो इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। के ऊपर रखे हैं कुछ सलाद, तो सलाद में मैंने रखी है पत्ता गोभी, टमाटर, खीरा, प्याज। उसके ऊपर से रखेंगे हम मलाई चिकन टिक्का, फिर से थोड़ी सी सलाद रखेंगे इसके ऊपर से। और जो सॉस है वो डाल देंगे ऊपर से और इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे दोनों साइड से। और ये हमारा बनकर तैयार हुआ चिकन मलाई टिक्का टॉर्टिला रैप। तो सभी को इसी तरह बनाकर रख लिया मैंने पहले। अब मैं इसको तवे के ऊपर हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, तो थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ सिर्फ ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। तो बस तवे के ऊपर अपने जितने टॉर्टिला आ जाते हैं, टॉर्टिला चिकन रैप उतने रख देंगे और इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको इसी तरह तवे पर सेक लेंगे, इसी तरह उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह सेकेंगे ताकि इनका खाने में भी टेस्ट और भी बढ़िया बने। और इस टेस्ट पर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे MS Eats को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह सभी बनकर तैयार हो गए मेरे मलाई टिक्का टॉर्टिला रैप। तो इसको मैं कट करके दिखाती हूँ, ये देखें कितना बेहतरीन सा बना है चिकन मलाई टिक्का टॉर्टिला रैप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बार ज़रूर ट्राई करें चिकन मलाई टिक्का टॉर्टिला रैप।